इस तरीके से सबसे बेस्ट रिजल्ट फ्रेंच फ्राई आप इसी प्रकार बनाइए। अभी फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बड़ी साइज के 3 आलू लिए हैं, तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। तो आपके पास घर पे जो भी आलू है आप उससे ये बना सकोगे। तो आलू इस प्रकार आपको बड़ी साइज के लेने हैं। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और उसके बाद इसे साफ कर लिया है। तभी आलू का जो छिलका है वो हमें निकाल देना है और आलू इस प्रकार कड़क हो वैसा आपको लेना है। अभी पिलर की सहायता से इसका हम छिलका निकाल देंगे। तो अभी इसी प्रकार हम तीनों आलू के छिलके निकाल लेंगे। अभी आलू को हमने छील लिए है, अभी इसमें से हम फ्राइज बनाएंगे यानी कि इसको काट लेंगे। इसे काटने के लिए ऊपर का और जो नीचे का हिस्सा है वो हल्का सा आपको काट लेना है, बिल्कुल इस प्रकार। इसे हम साइड पे निकाल लेंगे। ये जो साइड का हिस्सा है उसे भी हल्का सा हम ट्रिम कर लेंगे। अब इसकी हम स्लाइस करेंगे। देखिए तो बिल्कुल इस प्रकार की मीडियम थिक स्लाइस करनी है। अभी ये जो स्लाइस है उसे एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और इसकी पतली स्ट्रिप काट लेंगे। ये देखिए तो जो सभी की साइज है वो इक्वल होनी चाहिए। यहां पर आपको खास ध्यान रखना है कि ये पतली बड़ी नहीं होनी चाहिए, हो सके उतना इक्वल काटिए। तो इसी प्रकार हम सभी आलू को काट लेंगे। अभी सभी आलू को मैंने काट लिए हैं। अभी इसे हमें बहुत अच्छे से वॉश करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें हम पानी डालेंगे। ये जो पानी है वो रूम टेम्परेचर वाला ही है। अभी ये जो आलू है उसे हम पानी में डाल देंगे। बहुत ही हल्के हाथों इसे इस प्रकार हम वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हो ये जो पानी है वो सफ़ेद होने लग गया है। तो ये जो आलू है उसे इस प्रकार धोना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे हम खास ध्यान रखेंगे ये जो फ्राइज है वो टूटनी नहीं चाहिए। अब ये जो पानी है उसे हम निकाल लेंगे। अब इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया, फिर से इसमें हम पानी डालेंगे, फिर से इसे हम अच्छे से धो लेंगे। तो इसे 3 से 4 बार धोना बहुत ही जरूरी है, या फिर इसे तब तक धोना है जब तक ये जो पानी है वो सफेद ना हो और पूरा ट्रांसपेरेंट रहे, यानी कि पानी जो है बिल्कुल साफ रहना चाहिए। तो अगर आपके आलू में ज़्यादा स्टार्च है तो आपको इसे ज़्यादा धोना पड़ेगा, लेकिन ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप देखिए पहले से ये थोड़ा कम सफ़ेद हुआ है। फिर से ये जो पानी है उसे हम निकाल देंगे। अभी तीसरी बार फिर से इसमें हम पानी मिलाएंगे, फिर से इसे इस प्रकार साफ करेंगे। अभी आप देखिए पानी बिल्कुल साफ है, तो जो आलू है वो हमने अच्छे से धो लिए हैं। अभी हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अभी एक बड़े बर्तन में मैंने 5 से 6 कप जितना पानी लिया है और पानी को उबलने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हो पानी में बहुत अच्छे से उबाला गया है। तो अभी इसमें हम नमक मिलाएंगे। ये स्टेप पे नमक आपको थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून नमक मिलाया है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून इसमें हम विनेगर मिलाएंगे। अगर विनेगर नहीं है तो इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। अभी हमने जो फ्राइज तैयार की थी तो उसे पानी में से निकाल के डालेंगे, पानी के साथ नहीं डालनी है। और जब भी पानी उबलने लग जाए उसके बाद ही आपको ये प्रोसेस करनी है। अभी यहाँ पे आपको टाइमर सेट कर लेना है या फिर घड़ी देख लेनी है। जैसे आपने सारी फ्राइज डाल दी उसके बाद एग्जैक्ट 8 मिनट के लिए आपको इसे उबालना है। गैस की आंच मीडियम रहेगी, इसे बिल्कुल भी आपको कवर नहीं करना है। और खास ध्यान रखना है इसे 8 मिनट के लिए उबलने देना है, ना कम और ना ज़्यादा। अभी एग्जैक्ट 8 मिनट हो गए हैं, गैस की आंच को बंद कर देंगे और इसे तुरंत ही हम बाहर निकालेंगे, यानी कि पानी में इसे बाहर निकाल लेनी है। तो ये फ्राइज को तुरंत ही मैंने पानी में से बाहर निकाल ली है। अभी इसे तुरंत ही हम किचन डाल पे डाल देंगे। तो इस प्रकार इसे फैला लेनी है। अभी 10 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अभी 10 मिनट हो गए हैं, आप देखिए ये बिल्कुल सूख गई है। तभी हल्के से इसे इसी प्रकार टैप कर लेंगे ताकि कहीं पर भी अगर थोड़ा मॉइस्चर है तो ये सूख जाएगी। अभी ये जो फ्राइज है इसे आपको एक डब्बे में भर लेनी है या फिर जो एयर टाइट बैग आती है उसमें भर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये जिप लॉक बैग ली है, तो सारी को हम इसमें भर लेंगे। तो अभी सभी फ्राइज को मैंने इसमें भर लिया है, इसे हम बंद कर देंगे यानी कि सील कर देंगे। इसकी जगह पे आप चाहो तो डिब्बा भी ले सकते हो। अभी इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो फ्रीज़र कंपार्टमेंट में इसे रखना है 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर आपको जितने टाइम लंबा स्टोर करना है तो भी आप इसे स्टोर कर सकते हो, यानी कि आप 6 महीने तक भी इसे रख सकते हो।
तो इसे हम फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए 8 से 10 घंटे के बाद ये बिल्कुल जम गई है, यानी कि फ्रीजर में इसका बर्फ जैसा हो गया है। तो इसे आपको निकालने के बाद तुरंत ही फ्राई करनी है, ये आपको खास ध्यान रखना है। इसे निकालने के बाद आपको इसे रूम टेम्परेचर पे नहीं लाना है, डायरेक्ट ही प्लास्टिक में से निकाल के इसे फ्राई कर लेना है। तो तेल आपको सबसे पहले गर्म कर लेना है। अभी से हम फ्राई करेंगे। अभी जो फ्राइज हमने फ्रीजर में से निकाली है उसे इस प्रकार जारे में ले लेंगे। अभी इसे गर्म तेल में रख देंगे। अभी गैस की आंच को मैंने मीडियम रखी थी, इसे मैंने 2 से 2.5 मिनट के लिए फ्राई होने दिया है। तो ये अभी हाफ फ्राई हो गई है, तो हाफ फ्राई हो जाए उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे हम 2 बार फ्राई करेंगे ताकि एकदम करारी बने। इसी प्रकार हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। अभी एक बैच हमने फ्राई कर लिया है, इसी प्रकार हम दूसरा बैच डाल देंगे। जब भी आप ये फ्राइज डालते हो तो आपको खास ध्यान रखना है कि इसके ऊपर बर्फ रहेगा तो तेल के छींटे उठ सकते हैं, तो ये आपको बहुत ही केयरफुली करना है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको बर्फ़ या पानी लगता है तो हल्का सा इसे आपको साफ कर लेना है और इसके बाद इसे तेल में डालना है। तो इसे भी हम मीडियम आंच पे हाफ फ्राई कर लेंगे। अभी सभी फ्राई को हमने हाफ फ्राई कर लिया है, अभी से हम फुल फ्राई करेंगे। तो अभी गैस की आंच एकदम तेज रहेगी, जो तेल है वो एकदम गर्म रहेगा। तो हमने जो हाफ फ्राई की थी उसे फिर से मैंने इसमें निकाल दिया है, इसे हम तेल में डाल देंगे। अभी तेज आंच पे इसे हम पूरी तरह से फ्राई करेंगे, बाहर से हल्का सा इस पर कलर आ जाना चाहिए और ये एकदम करारी हो जानी चाहिए। अभी फ्रेंच फ्राई जो है वो फ्राई हो गई है कि नहीं वो चेक करने के लिए सबसे अच्छी जो साइन है वो ये जो बबल्स हो रहे हैं वो पहले से काफ़ी कम हो रहे हैं, यानी कि ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। ये देखिए इस पे कलर भी एकदम बढ़िया आया है, तो इसे बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। आपको आवाज़ से ही पता चल गया होगा कि ये बहुत ही करारी बनी है। अभी जैसे आप फ्रेंच फ्राई को निकाल लेते हो तुरंत ही इसके ऊपर नमक डाल देना है, या तो फिर आपको जो भी फ्लेवर डालनी है तो तुरंत ही आपको लगा देनी है, ताकि इसके ऊपर हल्का सा ऑयल का कोटिंग रहेगा तो उससे जो नमक या आपके जो मसाला है वो अच्छे से चिपक जाएगा। वैसे ये स्टेज पे आप नमक नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब हमने आलू को उबाले थे तो उस समय अच्छी मात्रा में नमक मिलाया था। तो इसी प्रकार सारे को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आवाज से ही पता चल जाता है कि फ्रेंच फ्राई बहुत ही करारी बनी है। मैं आशा रखता हूँ ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी एक मस्त रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।